अगर आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप एक कंपनी को होल्ड करते हो जिसकी वैल्यू है 50 रुपए और उस कंपनी के पास उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसको वो 100% ओन करती है और इस कंपनी की वैल्यू है 100 रुपए, सो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये जो कंपनी है जिसको आप होल्ड करते हो उसके पास 100 रुपए के एसेट पड़े हैं, बट ये जो कंपनी है उसकी वैल्यू है 50 रुपए। तो आपने जो ये 50 रुपए दिए हैं इस कंपनी को परचेस करने के लिए, वो एक अंडर वैल्यूड प्राइस है इस कंपनी के लिए या एक ओवर वैल्यूड प्राइस है? एक सिंपल सा मैथ किया जाए तो ऑफ कोर्स ये एक अंडर वैल्यूड प्राइस ही है, बिकॉज उसके पास 100 रुपए के एसेट पड़े हैं एज अ इन्वेस्टमेंट। क्यों ऐसा है कि ये जो आप कंपनी होल्ड कर रहे हो इसकी वैल्यू सिर्फ 50 रुपए ही है? कुछ ऐसा ही सिनेरियो प्ले आउट होता है इंडिया में होल्डिंग कंपनीज के साथ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों होल्डिंग कंपनीज उसके फेयर वैल्यू से डिस्काउंट में ट्रेड होती रहती है एंड कैसे हम एक होल्डिंग कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। आप 1 या 2 मिनट में उसकी फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। एंड क्या हमें एक होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक एंड सबसे पहले तो हम जान लेते कि होल्डिंग कंपनीज की फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाए, और ये बहुत ही इजी है। एज आई डिस्कस्ड, आप कुछ चंद मिनटों में उस कंपनी की, होल्डिंग कंपनी की फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। और इसे हम पहले एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। लेट्स अज्यूम एबीसी एक होल्डिंग कंपनी है और इस एबीसी कंपनी के पास उसकी 2 सब्सिडियरी कंपनी है जिसकी वो 100% ओनरशिप लगता है, और ये जो एबीसी लिमिटेड का प्राइस है वो है 100 रुपए, और उसके पास जो 2 सब्सिडियरी कंपनी है, लेट्स अज्यूम पीक्यूआर लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज की वैल्यू है 100-100 रुपए ईच। तो अगर हम देखें तो 100 रुपए के वैल्यू के शेयर के पीछे आपको 200 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। इसको हम कहते हैं सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन, जहां पे हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर हम एक कंपनी के सारे एसेट को मिला दे तो उस कंपनी की वैल्यू क्या निकल के आती है। और इसे हम एक लीजिट और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखें तो बजाज होल्डिंग का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास, और बजाज होल्डिंग होल्ड करती है बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो को, जहां पे बजाज फिनसर्व की वो 39% ओनरशिप लगती है और बजाज ऑटो की वो 33% ओनरशिप रखती है। और बजाज फिनसर्व का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 2,10,000 करोड़ के आसपास, और बजाज ऑटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 85,000 करोड़ के आसपास। एंड फाइनली अगर हम इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को मिला दे तो बजाज होल्डिंग के पास अप्रोक्सीमेटली 1,09,000 करोड़ के एसेट पड़े हैं जो इन्वेस्टमेंट्स है बजाज होल्डिंग के बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो में। तो इट इज लाइक आपने घर खरीदा जो है 25,000 करोड़ का, और उस 25,000 करोड़ के घर के अंदर एक तिजोरी पड़ी हुई है जिसके अंदर पड़े हुए है 1,09,000 करोड़। तो टेक्निकली आपने जो 25,000 का घर खरीदा है जो है बजाज होल्डिंग्स, वो तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई ना, बिकॉज जो अंदर की तिजोरी है वो भी आपकी ही है और उसके अंदर के 1,09,000 करोड़ के शेयर्स भी आपके। तो आपने खरीदा बजाज होल्डिंग्स को 25,000 करोड़ में और आपको एसेट मिल रहे हैं 1,09,000 करोड़ के, तो ये तो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम जानते हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बिकॉज मैं ऐसे ही नए नए फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो नाउ लेट अस डिस्कस कि क्यों बजाज होल्डिंग और ऐसी कई सारी होल्डिंग कंपनीज जो इंडिया में ट्रेड होती है वो इतने ज्यादा डिस्काउंट में ट्रेड होती रहती है। एग्जाम्पल अभी हमने देखा जो बजाज होल्डिंग का एग्जाम्पल है जो अभी फिलहाल 80% डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है राइट नाउ इन करंट मार्केट प्राइस। तो ऐसा क्यों होता है? द नंबर वन रीजन इज टैक्सेशन। जब भी ये बजाज होल्डिंग उसके शेयर्स जो बेचेंगे तो उन्हें कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो अराउंड 10-12% के आसपास रहता है, तो वो एक एक्सपेंस हो जाता है जो हमें माइनस करना पड़ता है। प्लस टेक्निकली अगर हम देखें तो बजाज होल्डिंग्स अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं बेचेगा नॉर्मली, बिकॉज अगर वो कंपनी के शेयर्स बेचता है तो बजाज होल्डिंग अपनी ही कंपनी से अपनी ओनरशिप गवा बैठेगा, जो नॉर्मली एक बैड साइन माना जाता है स्टॉक मार्केट में। और इसी वजह से ज्यादातर टाइम जो होल्डिंग कंपनीज है वो अपनी कंपनीज के शेयर्स नहीं बेचती, सो ये भी एक रीजन हो जाता है। द थर्ड रीजन इज ये जो होल्डिंग कंपनी है उसके भी कई सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, और ये सारे
बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो इन कंपनीज को मीट करने पड़ते हैं। इन कंपनीज के पास ज्यादातर कंप्लायंस भी रहते हैं जो इन कंपनीज को मीट करने पड़ते हैं, सो इसे भी हमें डिस्काउंट करना पड़ता है। प्लस अगर हम देखें तो जो भी डिविडेंड रिसीव करती है ये होल्डिंग कंपनीज अपने इन्वेस्टेड कंपनीज से, उस डिविडेंड पे भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी हमें माइनस करना पड़ता है जब हम वैल्यूएशन निकाले इन होल्डिंग कंपनीज का तब। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें इंडिया में एक होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग थॉट प्रोसेस रहता है और ये अलग अलग इंडिविजुअल के लिए वेरी करेगा। बट मैं जब होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं जब होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तब मुझे चाहिए कि वो होल्डिंग कंपनी 70-80% डिस्काउंट में होनी चाहिए। मतलब जो भी हमने आज भी डिस्कस किया कि कैसे हम एक होल्डिंग कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हैं और उसकी फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पे उस होल्डिंग कंपनी के जो अंडरलाइंग कंपनीज है वो कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर हम मिला दें तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी उससे मुझे 70-80% डिस्काउंट पे चाहिए होल्डिंग कंपनी। और अगर मुझे वो 70-80% डिस्काउंट में मिल रही है इस वैल्यू के, तो ही मैं वो होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। एंड प्लस मुझे वो सारे बिजनेसेस जो वो होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है वो सारे बिजनेसेस मुझे पसंद होने चाहिए और वो सारे बिजनेसेस के ग्रोथ एस्पेक्ट अच्छे होने चाहिए और वो सारे बिजनेसेस मुझे समझ में आने चाहिए, तभी मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बजाज होल्डिंग बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व को होल्ड करती है, जहाँ पे बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस आ जाता है, बजाज का जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेसेस भी आ जाते हैं। तो ये सारे बिजनेसेस मुझे पसंद है, बजाज ऑटो का बिजनेस भी मुझे पसंद है और बजाज फिनसर्व का बिजनेस तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो इन दोनों बिजनेसेस को मुझे लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि इन दोनों बिजनेसेस के ग्रोथ एस्पेक्ट भी अच्छे हैं आने वाले फ्यूचर में, और इन दोनों बिजनेसेस के इंट्रिंसिक वैल्यू को मैं मिला दूँ तो एज वी डिस्कस कुछ 110,000 करोड़ की वैल्यू निकल के आती है और बजाज होल्डिंग की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25,000 करोड़ के आसपास। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो मुझे ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 75-80% डिस्काउंट में मिल रही है। सो इसी वजह से एज अ डिस्क्लेमर मैं बजाज होल्डिंग में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वाले वीडियो के कोड के लिए और सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, भूलना मत सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।